नमस्कार दोस्तों मैं राहुल चौधरी डागुर्स यूट्यूब लाइव क्लासेस जयपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं राम सिंह धनगर साहब नवरात्रि की शुभकामनाएं थैंक यू बिल्कुल और आप सभी को आज डागुर्स की ओर से सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आज नवरात्रि यानी कि एक ऐसे त्यौहार का प्रारंभ हुआ है शुरुआत हुई है आज से तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और रजनीश कोवाल हैप्पी नवरात्रि सर थैंक यू और जितने भी मिटू सुडा गुड आफ्टरनून सर थैंक यू सोनू चौधरी बिल्कुल थैंक यू नवरात्रा की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं राम सिंह धनकर साहब आप आ जाएं हम विद्यार्थी जोड़ लेंगे आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को कवर करें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट ज्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो शेयर करो और स्टूडेंट अपने आप जुड़ेंगे फिर तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं आज के सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करेंगे तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी एक बार लाइक जरूर करें राम बाबू जी गुड आफ्टरनून सर थैंक यू सर जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरा सभी से निवेदन है एक बार अपने लेक्चर को अपनी लाइव क्लासेस को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाए आज नवरात्रि एक त्यौहार है पर्व है और आज सभी स्टूडेंट बिजी हैं और मैं आशा करता हूँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हम किसी को आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो आज पूजा के कार्यक्रम में बहुत से स्टूडेंट बिजी होंगे तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उतने ही ठीक हैं आज कोई आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन यह है कि नवरात्र आज से प्रारंभ हुए हैं तो इसलिए जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं तनाव न लें और जितने भी जुड़े हुए हैं हम संतुष्ट हैं तो मंजीत सिंह यादव जी गुड आफ्टरनून सर थैंक यू हैप्पी नवरात्रि ओम खाटवा जी बिल्कुल जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सेशन को लाइक करें भाई लाइक और शेयर करें जितने भी जुड़े हुए हैं हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है आज जो भी पूजा में उपासना में जो भी जुटे हुए हैं विद्यार्थी तो आज उनका दिन है तो जुटना जरूरी है पूजा के लिए उपासना के लिए तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें प्यारे विद्यार्थी और निशा चौधरी मंजीत सिंह यादव जी जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार लाइक ज़रूर करें जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आज हमारे जो टीचर्स का टाइम शेड्यूल है क्लासेस का लास्ट क्लास अपनी जनरल साइंस से रिलेटेड हुई थी साथ ही साथ जस्ट मैथ की होने वाली है मेरे बाद और ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स एजुकेशन मैथड शिक्षण विधि एंड राजस्थान जियोग्राफी का आप जो क्लास ले चुके हैं जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं और रेलवे से संबंधित टेस्ट और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज और उन क्वेश्चनों को चर्चा हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं एक बार हमारे इस लेक्चर को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और फिर क्वेश्चन का जवाब देना है बहुत अच्छे से और समझना है क्वेश्चन के बारे में जो भी हम कंटेंट से संबंधित एक्सप्लेशन करेंगे तो पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति पंचायती राज के संदर्भ में अशोक मेहता समिति के बारे में बात कही गई है जवाब आपको देना है बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में किया गया है प्यारे विद्यार्थियों और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी 1978 में दी तो प्यारे विद्यार्थियों अशोक मेहता समिति के संदर्भ में कौन सा मॉडल सुझाया गया चार ऑप्शन है ऑप्शन जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं चार ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए एक बार अच्छे से देखें मंजीत सिंह यादव निशा चौधरी जल्दबाजी न करने की कोशिश करें धैर्य रखें धैर्य में ही सब कुछ है सोच समझ के आंसर देना चाहिए जानते हुए क्वेश्चनों को गलत करना पाप है अपराध है तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से सोच समझकर इसका जवाब देना है अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया रिपोर्ट 1978 में दी और प्यारे विद्यार्थियों इसने कौन सा मॉडल सुझाया त्रिस्तरीय द्विस्तरीय मंडल पंचायत प्रतिरूप ग्राम पंचायत प्रतिरूप तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तर बताए एक सबसे छोटा स्तर ग्राम स्तर इसके साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों खंड खंड स्तर और एक जिला स्तर प्यारे विद्यार्थियों जिला स्तर तो इसलिए यहां पर आपको समझना होगा ये तीन स्तर बलवंत राय मेहता समिति ने लेकिन अशोक मेहता समिति ने प्यारे विद्यार्थियों अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर को खत्म करने की सिफारिश की अर्थात दो स्तर बताए पंचायत समिति की जगह उन्होंने मंडल पंचायत की बात कही ग्राम स्तर की और पंचायत समिति की जगह मंडल पंचायत की और जिला स्तर पर जिला परिषदों के गठन की बात कही तो दो स्तरीय प्रतिरूप राइट आंसर बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं बटकती आत्मा ए बोल रहे हैं गलत है भाई ग्राम खंड और जिला लेकिन अशोक मेहता समिति ने प्यारे विद्यार्थियों ग्राम और खंड की जगह उन्होंने मंडल पंचायत को अपनाने की बात कही मंडल पंचायत के मॉडल के प्रतिरूप को सुझाया और जिला पंचायत की बात कही जिला स्तर पर जिला परिषदों की बात कही प्यारे विद्यार्थी अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ रिपोर्ट उन्नीस में दी अर्थात वही अशोक मेहता समिति जिन्होंने ग्रामीण और शहरी एकीकृत समन्वय एकीकृत विकास के बल की बात कही प्यारे विद्यार्थी हो एनजीओ की विशेष भूमिका की बात कही अशोक मेहता समिति ने महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की बात कही प्यारे विद्यार्थी हो तो इसलिए जितने भी प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है बहुत ही अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई राइट right आंसर देना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देना है प्यारे विद्यार्थियों क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्यारे विद्यार्थियों और आइकन को भी प्रेस करें जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, इसका राइट आंसर दें निम्नलिखित में से कौन सही है कौन सही है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई जनता में राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए राइट आंसर देना है राइट आंसर सोनू चौधरी ए ऑप्शन बोल रहे हैं महेंद्र आचार्य ए निशा चौधरी बी नीलोफर अंसारी बी मंजीत सिंह यादव शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए भटकती आत्मा ए नीलोफर अंसारी बी राइट आंसर बिल्कुल सही बात है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा सही है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई ये हमारा पंचायती राज और पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना लोकतांत्रिक कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है अर्थात लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन अर्थात जनता के शासन की पहुंच गांव में प्रत्येक जन तक अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए अर्थात जो सत्ता है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर बी ऑप्शन शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कहते हैं ना सत्ता का सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का हस्तांतरण सत्ता का विकेंद्रीकरण प्यारे विद्यार्थियों शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो शक्ति है वो गांव के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे भटकती आत्मा ए राइट आंसर नहीं है मनोज कुमार सैनी बी बोल रहे हैं सोनू चौधरी बी इज राइट सीमा देवी गुड मनजीत सिंह यादव सोनू रुक जा और जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जो राइट आंसर दे रहे हैं बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई राइट आंसर बी पंचायती राज की जब बात आती है तो पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना होता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का हस्तांतरण अर्थात प्यारे विद्यार्थियों शब्दों को समझना है इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान सब सप्तम संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस उसके लिए उपबंध है राइट आंसर देना है प्यारे विद्यार्थियों अपने आप में बहुत विधानमंडल की जब बात होती है तो विधानमंडल भारत में दो प्रकार का है दो प्रकार का विधानमंडल है एक सदनीय एक सदनीय का मतलब विधानसभा जहां पर सिर्फ विधानसभा है विधानसभा सिर्फ और वहां जहां द्विसदनीय विधानमंडल होता है वहां पर प्यारे विद्यार्थियों विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों होते हैं जहां द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल होता है तो विधानसभा और विधान परिषद एक सदनीय और द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल भारत में दो प्रकार का है लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल पाया जाता है भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे लेकिन मीटू सुड्डा आंसर दे रहे हैं बी निशा चौधरी बोल रहे हैं एम पी राम बाबू जी बोल रहे हैं डी तो डी और एम पी और बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं बी बिहार तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद का गठन नहीं हुआ तो आपको याद होने चाहिए छह राज्य जो हैं कर्नाटक कर्नाटक में तो है भाई विधान परिषद तो कर्नाटक आंसर नहीं है कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है और भाई मध्य प्रदेश में तो है कि नहीं है तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है बिहार आंसर नहीं है महाराष्ट्र यहां तीनों जगह विधान परिषद है तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है अब स्टेट में है अर्थात जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी है संघ शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर से अब विधान परिषद का समाप्त कर दिया गया है अर्थात विधानसभा भी फिलहाल विघटित है भंग है चुनाव होंगे तो प्यारे विद्यार्थियों जम्मू अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी वो भी विधानसभा वाला अब विधान परिषद नहीं है वहां पर विधान परिषद का समापन हो गया उसकी भी एक प्रक्रिया होती है जब आर्टिकल 168, 169, 170 पढ़ोगे तब विधानसभा विधान परिषद के बारे में समझोगे तो प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश आंसर सड़सठ right के क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है मध्य प्रदेश अब मैं एक बार और यहां पर क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो सके देखो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में दो प्रकार का विधानमंडल है यहां पर समझने की कोशिश करें भाई विधानमंडल 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 दो प्रकार का फर्स्ट सेकंड, विधानसभा जहां होती है वहां एक सदनीय विधानमंडल होता है एक सदनीय एक सदनीय विधानमंडल जहां विधानसभा है और प्यारे विद्यार्थियों विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा प्लस विधान परिषद जहां दोनों होते हैं वहां द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल होता है तो प्यारे विद्यार्थियों द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल द्विसदनीय सदनीय विधानमंडल तो अब यहां पर आपको समझना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है वो राज्य कौन कौन से हैं यहां पर लिख देता हूं कर्नाटक एक दो नंबर पर अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश तीन नंबर पर बात करूं तो महाराष्ट्र नंबर चार पे बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों बिहार नंबर पांच पर बात करूं तो आंध्र प्रदेश और सबसे नवीनतम राज्य जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया वो है तेलंगाना तो प्यारे विद्यार्थियों ये छह ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद अर्थात द्विसदनीय विधानमंडल जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों जम्मू एंड कश्मीर से अब विधान परिषद समाप्त तो हो गई है जम्मू एंड कश्मीर अब विधान परिषद यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी है संघ शासित प्रदेश है वो भी विधानसभा वाला तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी सर यूटी कितनी नाम बताओ राम सिंह धनकर जी पूछ रहे हैं बेटा राम सिंह धनकर यूटी की अगर मैं बात करूं तो आठ यूटी हैं और आठ यूटी के अगर मैं नाम बताऊं तो यहां पर लिख देता हूं प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करें आठ यूटी जो है वर्तमान में उनका मैं यहां पर नाम लिख देता हूं प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले दिल्ली दिल्ली सेकंड पुंडुचेरी और नवीनतम यूटी जो है प्यारे विद्यार्थियों वो है जम्मू एंड कश्मीर चार अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ पांच बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों लक्षदीप और छठवे नंबर पर बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली दादर नगर हवेली और सातवा अगर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों लद्दाख और आठवें की अगर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों दमन एंड दीप दादर नगर हवेली एक हो गया लच्छदीप चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर पुंडुचेरी दिल्ली लद्दाख और ये तीन जो यूटी हैं ये विधानसभा वाले हैं लद्दाख हो गया दमन दीप, दादर नगर हवेली लच्छदीप चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर पुंडुचेरी दिल्ली एक और बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों एक और बच रहा है यूटी आठ है वर्तमान में लच्छदीप हो गया चंडीगढ़ हो गया दमन दीप, दादर नगर हवेली और एक जो बच रहा है उसका नाम है आप बताइए अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल सही बात अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार ये आठ यूटी हैं वर्तमान तो में दमन एंड दीप दादर नगर हवेली का विलय हो गया 26 जनवरी को. 2020 को 26 जनवरी 2020 से ये प्यारे विद्यार्थी एक हो चुके हैं दमन एंड दीप दादर नगर हवेली ये दो नए हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली पांडुचेरी ये विधानसभा वाले यूटी हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पहली अनुसूची को जब आप देखोगे तो वहां अट्ठाईस राज्य और आठ यूटी का उल्लेख है पहली अनुसूची में जब कहीं पर भी राज्य और यूटी की संख्या में परिवर्तन होता है तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है राइट आंसर इस प्रकार आप दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जवाब आपको देना है प्यारे विद्यार्थियों जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जवाब आपको देना है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है जवाब आपको देना है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक या अनुच्छेद एक सौ इकहत्तर लखन में मेरवाड़ी गुड आफ्टरनून सर थैंक यू बहुत अच्छे से इसका जवाब देना है भाई संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है जवाब आपको देना है प्यारे विद्यार्थियों जवाब आपको देना है जवाब आपको देना है मंजीत सिंह यादव डी आर्टिकल 171 और रामकिशोर धनकर जी राम सिंह वन डी 170 प्यारे विद्यार्थियों यह राज्य सरकार है समझने की कोशिश करना यह राज्य सरकार है और राज्य सरकार से संबंधित संविधान का भाग छह है राज्य सरकार से संबंधित भाग और राज्य सरकार के तीन अंग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका यह राज्य सरकार के तीन अंग हैं विधायिका कार्यपालिका कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो एक से एक हैं जहां राज्यपाल मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल वगैरह आ जाते हैं विधायिका की बात करूं तो विधानमंडल और विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद एक सौ से दो सौ है और न्यायपालिका हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों दो सौ से दो सौ सैतीस है अब बात यहां पर यह आती है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है आर्टिकल का जवाब देना है प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल एक सौ अड़सठ एक सौ उनहत्तर एक सौ सत्तर जवाब आपको देना है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद एक सौ उनहत्तर या एक सौ सत्तर जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जवाब देना है मंजू गोदारा बी आंसर बोल रहे हैं अनुच्छेद एक सौ उनहत्तर मनजीत सिंह यादव जवाब देना है मनोज गोदारा बी मिट्टू सूडा सी जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं आर्टिकल 169 बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन भाई बी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा राज्य और केंद्र में वित्तीय विभाजन होता है राज्य और केंद्र में वित्तीय विभाजन होता है योजना आयोग की संस्तुति पर वित्त आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्तुति पर या सरकारिया आयोग की संस्तुति पर राइट right आंसर देना है प्यारे विद्यार्थियों जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं राइट आंसर दें राइट आंसर भटकती आत्मा बी मनोज गोदारा बी भटकती आत्मा बी मनोज गोदारा बी स राम सिंह धनकर शर्मा जी का लाड़ला बी मनोज गोदारा बी मीरा कुमारी बी, महेंद्र आचार्य बी, निशा चौधरी बी, राम सिंह धनकर सी नीलोफर अंसारी बी, ओम खाटवा बी, राम बाबू और लखन में मेरवाड़ी सी तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वित्त आयोग की संस्तुति पर बी राइट right आंसर केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में मैं बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों पहली बात तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल दो और राज्य वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल दो आई राज्यों में जो वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है वो अनुच्छेद दो आई लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग अपने आप में एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है तो इसलिए आपको इस बारे में ये क्लियर होना चाहिए संवैधानिक आयोग है कैसा आयोग है संवैधानिक आयोग है दूसरा मैं एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर देता हूं प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करनी है आपको जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं समझने की कोशिश करें प्यारे विद्यार्थियों आयोग की जब बात होती है आयोग की बात होती है तो यहां पर आपको इस प्रकार समझना होगा कि संवैधानिक आयोग कैसा होता है संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग संवैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग इनमें अंतर आपको समझना है प्यारे विद्यार्थियों मैं बता देता हूं संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग और जीएसटी का कौन सा है सर जीएसटी का क्या अजय मेहरा जी बोलिए अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कमीशन की आयोग की आयोग संवैधानिक आयोग वो होता है 102 नहीं है प्यारे विद्यार्थी जीएसटी से संबंधित संविधान में जो संशोधन हुआ वो 101 वा हुआ, 101 वा वा एक सौ एक वक्त एकवा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई 103 जीरो अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन एक सौ वो सवर्ण गरीबों को 10 परसेंट रिजर्वेशन से संबंधित है तो वही मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौ संविधान संशोधन लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है उससे संबंधित और एंग्लो इंडियन के लोकसभा में जो मनोनयन का प्रावधान था उसको समाप्त किया गया एक संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार क्लियर होना चाहिए यह बात सही कह रहे हैं अजय शायद आर्टिकल तीन सौ नाइन थ्री सेवन नाइन ए आयोग की मैं बात कर रहा हूं कोई आयोग संवैधानिक आयोग वो होता है जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया हो या जिसका उल्लेख संविधान में हो जिस आयोग का उल्लेख संविधान में होता है वो संवैधानिक होता है चाहे वो प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय वित्त आयोग हो चाहे वो केंद्रीय वित्त आयोग हो प्यारे विद्यार्थियों और इसका उल्लेख अनुच्छेद दो और चाहे वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो प्यारे विद्यार्थियों सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ये भी अपने आप में एक संवैधानिक आयोग है और इससे संबंधित आर्टिकल 324 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाहे वो राष्ट्रीय एस और एस और ओबीसी आयोग ही क्यों ना हो एस सी एस टी कमीशन एस अनुच्छेद तीन एस टी अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस या ए बोल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये सभी के सभी संवैधानिक आयोग हैं नीति आयोग संवैधानिक नहीं है गैर संवैधानिक है मंत्रिमंडलीय संकल्पना के आधार पर नीति आयोग एक गठित संस्था है चाहे वो योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करें जिस जिस आयोग का उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक जिसका नहीं है संविधान में उल्लेख वो गैर संवैधानिक या संविधान या असंवैधानिक बोल सकते हैं लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी होती है प्यारे विद्यार्थियों और वो होती है सांविधिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सांविधिक सांविधिक आयोग वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिस आयोग का गठन संविधान में या जिस आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं हो लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा गठन किया हो कानून के द्वारा गठन किया गया हो कानून के द्वारा गठन हुआ हो कानून के द्वारा गठन हुआ हो वो आयोग सांविधिक आयोग होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे सतर्कता आयोग हो चाहे सूचना आयोग हो ये सभी के सभी सांविधिक आयोग हैं जिस भी आयोग का गठन कानून के द्वारा होता है वो आयोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांविधिक होता है लेकिन वो गैर संवैधानिक भी होता है संविधानेतर भी होता है लेकिन बात अगर मैं योजना आयोग नीति आयोग की करूं तो प्यारे विद्यार्थियों योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो इस संदर्भ में भी मैं यहां पर आपसे क्लियर कर देता हूं कि नीति आयोग जो है इसका गठन जो हुआ है वो मंत्रिमंडलीय संकल्पना के आधार पर हुआ है मंत्रिमंडल ने एक संकल्प लिया प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने संकल्प लिया तो मंत्रिमंडल की संकल्पना के आधार पर गठित संस्था के आधार पर गठित तो प्यारे विद्यार्थियों जब मंत्रिमंडल ने निर्णय किया किसी आयोग के गठन का और हो गया तो वो मंत्रिमंडलीय संकल्पना के आधार पर गठित संस्था होती है तो इसलिए नीति आयोग संविधानेत्तर आयोग है अर्थात गैर संवैधानिक है अर्थात असंवैधानिक है एक दूसरे के अपने आप में पर्यायवाची शब्द हैं ये न कि ये सांविधिक है ना ही ये संवैधानिक है गैर संवैधानिक संविधानेत्तर और असंवैधानिक है तो प्यारे विद्यार्थियों इन बातों को आपको समझना होगा सर नीलोफर अंसारी लोकसभा में दो मेंबर एग्लो इंडियन का अब नहीं होगा क्या नहीं होगा नहीं होगा नीलोफर अंसारी एक संविधान संशोधन के तहत यह समाप्त कर दिया गया है प्रावधान के अब लोकसभा में दो एग्लो इंडियन मनोनीत राष्ट्रपति नहीं करेगा दोनों सेम ही है ना नीति और योजना बिल्कुल लेकिन अब योजना आयोग समाप्त हो गया योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीति आयोग और योजना आयोग दोनों ही मंत्रिमंडलीय संकल्पना के आधार पर गठित संस्था थी प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय योजना आयोग का गठन किया गया और नरेंद्र मोदी जी के समय नीति आयोग का गठन किया गया है सोनू चौधरी नीति आयोग गैर संवैधानिक राइट आंसर अजय मेहरा मीन संविधान में लिखा हो वो संवैधानिक है बिल्कुल सही बात है अजय मेहरा जी मंजीत सिंह यादव जी हमें सिसोदिया पैरा पैरामेडिकल ग्यारह सर घेर संवैधानिक आयोग बदलाव कर सकता है या नहीं सर घेर घेर सर गैर संवैधानिक आयोग बदलाव कर सकता है या नहीं बिल्कुल कर सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो सॉरी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वो सॉरी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक मान्यता दी गई है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नीलोफर अंसारी ओके सर लखनभ मेरवाड़ी थैंक यू भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा कि ये जो वित्त आयोग है प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा हूं अनुच्छेद 280 में जो है केंद्रीय वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक आयोग है ये क्लियर हो गया संवैधानिक आयोग है भाई और अनुच्छेद दो में उल्लेख भी है अनुच्छेद दो में उल्लेख भी है केंद्रीय वित्त आयोग का साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है केंद्रीय वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद दो सी में उल्लेख है और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो टैक्स से जो इनकम होती है टैक्स से अर्थात करों से जो प्राप्त आय होती है करों से जो प्राप्त आय होती है टैक्स से जो इनकम होती है उस आय का केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य आवंटन करना होता है तो एप्शन से बी बोल रहे हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण वार्षिक बजट तैयार करना गलत है राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में परामर्श देना गलत है संघ एवं राज्यों की विभिन्न मंत्रालयों के निर्णय की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपको समझना होगा नियमों का विनिधान करना तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है जो भी प्यारे विद्यार्थी ए ऑप्शन जवाब दिए वो राइट आंसर है भाई मैं एक बात और बता देता हूं बहुत अच्छे से यहां पर लिख के समझा देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करें भाई केंद्रीय वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं समझ लो सब कुछ बता रहा हूं केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष और चार सदस्य और इनकी नियुक्ति जो करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राष्ट्रपति करता है कौन करता है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बजट आर्थिक मामला विभाग तैयार करता है बिल्कुल मंजीत सिंह यादव वित्त मंत्रालय लेकिन नियुक्ति की बात कर रहे हैं हम केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो भी आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और गठन भी राष्ट्रपति करता है संविधान लागू होने के दो पश्चात दो वर्ष के पश्चात यानी दो वर्ष के अंतराल में यह राष्ट्रपति जब चाहे तब केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है वर्तमान में पंद्रहवा वित्त आयोग का भी गठन हो गया और पंद्रहवा वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम रिपोर्ट अपनी वो 2019-20 में दे दी और ये रिपोर्ट जो है दो हजार तक लागू की जाएगी और इसका 2017 नवंबर 2017 में गठन किया गया था पंद्रहवे वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 होगा चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से बीस वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था तेरहवे विजय केलकर साहब पहले केसी नियोगी साहब तो इसलिए आपको नाम भी क्लियर होना चाहिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है नंद किशोर सिंह एनके सिंह बिल्कुल मंजीत सिंह यादव पंद्रहवा वित्त आयोग दो से पच्चीस गुमनाम मोहम्मद की जी सर मिटू सूडा ए सर यह कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है भटकती आत्मा नहीं है कौन कहता है कि ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझना होगा आपको समझाना होगा मेरे को मैं एक बार फिर से आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है संवैधानिक आयोग वो आयोग होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो तो केंद्रीय वित्त आयोग का दो अनुच्छेद में है गठन राष्ट्रपति करता है और वहां पर कहा गया है कि संविधान लागू होने के दो वर्ष के समय या राष्ट्रपति जब चाहे तब या सामान्यतः तो पांच वर्ष बाद केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा केंद्रीय वित्त आयोग का कार्यकाल पांच वर्ष होता है पांच वर्ष काम करता है गठन कभी भी हो सकता है जैसे मई ये नवंबर 2017 में हो गया पंद्रहवें वित्त आयोग का जबकि चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल ही दो से बीस था पहले ही हो गया और अपनी रिपोर्ट भी दे दी दो में अब वो रिपोर्ट जो लागू की जाएंगी पंद्रहवें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है जो सिफारिशें हैं जो लागू की जाएंगी वो 2024-25 तक लागू की जाएंगी तो प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और केंद्रीय वित्त आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होता है जो टैक्स से जो इनकम होती है करों से जो प्राप्त आय होती है उसका केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य आवंटन करना होता है सर अभी जीएसटी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से एक पॉइंट एक लाख करोड़ रुपए बकाया पैसा लेने के लिए मार्केट से लोन लेके पैसे चुकाने के लिए बोला है क्या यह सब बिना संविधान की अनुमति के है या खिलाफ सर अभी जीएसटी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से मार्केट से लोन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार वो काम कर सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है केंद्र सरकार को प्यारे विद्यार्थियों और मार्केट से लोन लेके पैसे चुकाने के लिए बोला है क्या यह सब बिना संविधान की अनुमति के है या खिलाफ है खिलाफ है भाई राज्य लेकिन केंद्र सरकार पर निर्भर होती है राज्य सरकारें थोड़ी बहुत केंद्र सरकार सहायता करती है राज्यों की अर्थात अगर राज्य केंद्र सरकार की बात को नहीं मानेंगे तो केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती कर देगी तो इसलिए राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो केंद्र सरकार अपने बड़े भाई की बात माने सर हिंदी एडिटोरियल की क्लास लगाओ प्लीज मनजीत सिंह यादव जीएसटी संवैधानिक है भाई और यह बात भी मनजीत सिंह जी ने सही कह दिया है कि जीएसटी संवैधानिक है संवैधानिक है एक सौ एकवे संविधान संशोधन के तहत ठीक है ना तो इसलिए यहां पर आपको समझना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जवाब आपको देना है भारत न्यायालय में यहां पर भारतीय न्यायालय लिख देता हूं मैं भारतीय न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं इसका जवाब देना है भाई जवाब दीजिए भाई जवाब जवाब देना है प्यारे विद्यार्थियों सभी स्टूडेंट्स को जवाब देना है जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सर मेरे सवाल का जवाब तो दो राज सिसोदिया पैरा मेडिकल क्या है तेरा जवाब भाई सर मेरे सवाल का जवाब तो दी अच्छा जवाब तो डी अरे सही लिख दे राज सिसोदिया पैरा मेडिकल मंजीत सिंह यादव ए ऑप्शन नीलोफर अंसारी ए गुम नाम मोहब्बत मैथ की डी निशा चौधरी ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का जवाब देना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी की बात होती है प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम भाई जितने भी विद्यार्थी हैं लाइक जरूर करें प्लीज विद्यार्थियों लाइक जरूर करें लाइक करना आपकी नैतिकता है प्राथमिकता है और ओम खाटवा जी ये बोल रहे हैं मंजू खाटाना डी मंजू खटाना गुज्जर का छोरा ओम खाटवा सोनू चौधरी ए निधि शर्मा डी निधि शर्मा जी बोल रही हैं डी नीलोफर अंसारी कर दिया है सर गुमनाम मोहब्बत मैथ की और लखन में मेरवाड़ी सरजी चमकमा है या किशन राम बाबू ए ऑप्शन बोल रहे हैं और निधि शर्मा डी बोल रही हैं इसका मतलब आंसर में विरोधावास अलग अलग स्वर हैं निधि शर्मा जी के अलग सोनू चौधरी जी के अलग नीलोफर अंसारी कर दिया है सर लाइक करें भाई जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें प्यारे विद्यार्थियों शेयर आज नवरात्र है तो स्टूडेंट भी कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जरूरी है पहले और मंजीत सिंह यादव जी ए बोल रहे हैं आर्टिकल वन टू सेवन बिल्कुल सही बात है मैं पहले करा चुका हूं मंजीत सिंह जी ऑप्शन को मिट्टू सोडा सी राजसिसोदिया पैरा मेडिकल मनीष कुमार ए अब इसका राइट आंसर बहुत से ए दे रहे हैं बहुत से सी दे रहे हैं अब मैं बता देता हूं न्यायालय का कोई भी सत्र गठित या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है लंबे अवकाश पर चले जाते हैं न्यायालय में लिंबत मुकालवों की असाधारण वृद्धि हो जाती है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है मंजीत सिंह यादव जी ए बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बात है भाई अनुच्छेद एक सौ सत्ताईस राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन है भैया मिट्टू सूडा ए और सोनू चौधरी ए बिल्कुल जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है भाई बिल्कुल सही बात है ए ऑप्शन है, भाई समझो किसी बात को कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गढ़पूर्ति या कॉलम के अभाव में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है और तदर्थ का मतलब अस्थाई होता है तदर्थ का मतलब अस्थाई होता है आर्टिकल एक में कहा गया है वन टू सेवन जो है एक कि की राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को गढ़पूर्ति या कॉलम के अभाव में कोरम के अभाव में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेगा नीलो अंसारी मेरा सही है बिल्कुल उचित इनाम दी जाए मेटूसुडा ए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो चैनल को भी सब्सक्राइब करो बेल आइकन को भी प्रेस करो और वीडियो को भी शेयर करो अबे करो भाई लाइक और शेयर अरे कीजिए भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीजिए लाइक तभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जब ये लाइक जो है मुझे अधिकाधिक संख्या में इसकी वृद्धि दिखाई देगी तो समझ लो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा जवाब देना आपको है प्यारे विद्यार्थियों लेकिन आपको अब लाइक जरूर करना है जिन्होंने लाइक नहीं किया है अब लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और जिसकी अनलाइक की इच्छा है वो अनलाइक भी कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भाई भारतीय संविधान विभक्त है भाई भारतीय संविधान विभक्त है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में और इस क्वेश्चन का आंसर वही देगा जो सिलेक्शन लेगा इस क्वेश्चन का आंसर राइट वही देगा और वही सिलेक्शन लेगा वो सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे होगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन का जवाब वो देगा जो सिलेक्शन लेगा अब देखता हूं मैं कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है आप ही एग्जिट हो जाओ राज पैरा मेडिकल वेलकम सुनील अहिरवार गुमनाम मोहब्बत मैथ की लखन में मेरवाड़ी बाई सीमा देवी बी राम बाबू बी निधि शर्मा बी निधि शर्मा बी बोल रहे हैं इसका मतलब सिलेक्शन होगा अब बोलिए भाई जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं बोलने की कोशिश करें <laughs> बोल तो सकते नहीं लिख दो बोल के लिख दो बाईस हैं अरे सभी का सिलेक्शन होगा भाई मेरे से जो पच्चीस पूछते हैं पच्चीस जो कहते हैं वो तो मुझे दिख ही नहीं रहे बहुत से तो 25 भी बोलते हैं भाई भाई भारतीय संविधान विभक्त है अगर हमें संविधान का सम्मान करना है आदर करना है तो हमें बाईस अध्याय बोलने होंगे क्योंकि हमें संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान करना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान विभक्त है बाईस अध्यायों में अब बहुत से बहुत से जो है मनजीत सिंह यादव बिल्कुल अनुसूची आपने गलत लिखा है अनुसूची सही नहीं लिखा आपने शब्दों का चयन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है बारह बाईस बाईस अरे वाह अरे वाह सोनू चौधरी बारह बाईस बाईस अरे मैं आपको एक बात बता देता हूं ये रहा हमारा भारतीय संविधान अरे ये रहा भारतीय संविधान मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करो बारह भारतीय संविधान भारतीय संविधान में पहला पेज प्रस्तावना का है भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है जिसको प्रेमबल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रेमबल या उद्देशिका भी बोल देते हैं उद्देशिका प्रेमबल भी बोल देते हैं क्या बोलते हैं प्रेमबल आर ई एम बी एल ई प्रेमबल साथ ही साथ भारतीय संविधान में बाईस भागे और तीन सौ पिचानवे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद तीन सौ पिचानवे हैं बारह अनुसूचियां हैं जो बारह अनुसूचियां बारह अनुसूची अब आपको यह बताना है कि हमारा भारतीय संविधान ये है अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा भारतीय संविधान क्या है हमारा भारतीय संविधान तो हमारा भारतीय संविधान यह है पहला पेज प्रस्तावना प्रस्तावना को सभी लोग भूले प्रस्तावना पहला पेज 22 भाग तीन सौ पिचानवे अनुच्छेद बारह अनुसूची है वर्तमान में पूर्व में आठ थी पूर्व में आठ थी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान में दो इंडेक्स भी हैं दो इंडेक्स भी हैं और दो इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर या कोई जो राज्य थे अब केंद्र शासित इस से इससे संबंधित थे तो हमारा भारतीय संविधान यह है आपको दिख गया अगर आप मेरे से सहमत हैं तो राइट बोलिएगा राइट अगर मेरे से सहमत हैं तो राइट बोलिएगा राइट और लाइक जरूर करें अगर आप मेरे से सहमत हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप मेरे से सहमत हैं तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक जरूर करें और वास्तव में भारतीय संविधान को आपने एक नजरों में देख लिया गणना करने पर भाग कितने हैं सर सम्मान करने पर बाईस हैं तो गणना करने पर भी बाईस हैं। अर्थात हमें तेईसवा शब्द नहीं दिखता है गणना तो करते रहो आप देशवाल जी लखन में मेरवाड़ी हम भारत के लोग निशा चौधरी राइट सोनू चौधरी जी सर और राइट बिल्कुल बिल्कुल भाई जितने भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने राइट दिया जवाब बहुत ही अच्छे सर संशोधित अधिनियम अभी कितने हैं अरे ये पूछो मंजीत सिंह यादव जी कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो गए 104 हो गए मेरे भैया मंजीत सिंह यादव जी 104 हो गए और एक सौ चार संविधान संशोधन 2020 में हुआ तो इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है अरे खेमराज और नीलोफर अंसारी राइट right आंसर बिल्कुल सोनू चौधरी 104 अरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो ये बार बार मैसेज आ रहा है अवैध कर दो भाई और नेक्स्ट आंसर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 बिल्कुल 104 बार संविधान संशोधन अवध 2020 में हुआ है देखिए प्यारे विद्यार्थियों डी जवाब दे रहे हैं निशा चौधरी मनोज गोदारा जी निधि शर्मा पखर सिंह देसवाल मनोज गोदारा मैं देखता हूं क्या है संघीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष ये प्यारे विद्यार्थियों वैसे क्वेश्चन पुराना है गुजरे जमाने की बेकार चीज है अब हमारे संविधान में प्रस्तावना में यह शब्द दिखता है पंथ निरपेक्षता संघीय शब्द ऐसा शब्द है जो एकमात्र एक ही स्थान पर प्रयोग किया गया है संप्रभु बिल्कुल संप्रभुता या संप्रभु एक ही बात राइट आंसर यह भी लोकतंत्र संघीय तो प्यारे विद्यार्थी आंसर डी होगा डी सीमा देवी सीमा देवी डी ऑप्शन नीलोफर अंसारी डी रामू कुमार डी राम बाबू डी भटकती आत्मा डी ओम खाटवा डी सोनू चादरा संघी बिल्कुल सही है जितने भी मनोज गोदारा जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, थैंक यू भाई थैंक यू बहुत अच्छा मिट्टू सुड्डा <laughs> सीमा जी आप डी कैसे बता रहे हो अच्छा सीमा जी अब डी है मिट्टू सुड्डा सर जी सीमा जी आप डी कैसे बता रहे हो क्यों डी नहीं बताए सभी डी बता रहे हैं मिट्टू सुड्डा आप क्या बता रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन है इसका जवाब भी देना है इसका जवाब देना है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 174 राइट right आंसर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए अनुच्छेद 21 ए बोलूं या क बोलूं निशुल्क अनिवार्य निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगस्त 2009 में पारित किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया सितारा काड़वे अरे वाह क्या क्या नाम है सितारा काड़वे मंजीत सिंह यादव मिट्टू सुड्डा नीलोफर अंसारी दिनेश कुमार मीणा सर आप क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है मेरे भैया एक बजे से वन पी वन पी एम क्लास एक पी एम भटकती आत्मा बी मनोज गोदारा बी मनोज सिंह मनजीत सिंह यादव बी निशा चौधरी बी भारत के पहले एग्लो इंडियन जो लोकसभा में नॉमिनेटेड किए गए फ्रैंक एंथनी ही थे फ्रैंक एंथनी नहीं थे <laughs> एंथनी जैसा नाम था बी बोल रहे हैं फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एंप्लॉयज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986 बहुत ही अच्छा और छासीवे संविधान संशोधन 2002 के तहत छियासीवे संविधान संशोधन 2002 को भी याद रखना होगा तो ये जो बातें हैं अच्छी बातें हैं क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है इसका राइट right आंसर प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जवाब देना लास्ट क्वेश्चन नीलोफर अंसारी जी सर गुमनाम मोहब्बत मैथ की गुमनाम मोहब्बत मैथ की राइट right आंसर देना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाब आपको देना है बहुत ही अच्छा मैं बगल को हो जाता हूं जवाब आपको देना है जवाब आपको देना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन संविधान का अनुच्छेद एक में उपबंध है कि राज्य राज्यपाल अपने पद पर पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से राज्यपाल राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है कोई राज्यपाल पांच वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है तो, तो इसका राइट आंसर देना है जवाब देना है भाई मंजीत सिंह यादव क्रॉस कर गए क्रॉस कर गए मंजीत सिंह यादव बहुत ही आप 100 परसेंट सिलेक्शन लोगे मुझे मालूम है जो जवाब डी दे रहे हैं बहुत ही अच्छे दोनों में से कोई सही नहीं है डी ऑप्शन राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन राइट आंसर सीमा देवी सी गलत बोल रहे हैं ये भैया तीनों के तीनों ये भी बात गलत है ये भी बात गलत है यानी कि डी दोनों ही नहीं है क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पांच वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है पदाब्दी पूर्व होने से हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है 175 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो डी ऑप्शन है तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए हम यहां पर इस महत्वपूर्ण सेशन को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आपकी मैथ की क्लास होने वाली है जो प्यारे विद्यार्थी मैथ के लिए बिल्कुल लालायत हैं वो जरूर मैथ की क्लास का आनंद लें अपना अभ्यास करें अपनी प्रैक्टिस करें और आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का यहाँ पर सेशन हम कंप्लीट करते हैं जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को जाहिर कर सकते हैं साथ ही साथ जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें लाइक करने की कोशिश करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जितने ज्यादा स्टूडेंट आपके और हमारे बीच रहेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको उतना ही आनंद आएगा थैंक यू दोस्तों धन्यवाद